सोलन के कुमारहट्टी में स्थापित राजा वीरभद्र सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी कुमारहट्टी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष रमेश चौहान ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में उत्तर भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें उभरते हुए खिलाड़ियों के साथ साथ बैडमिंटन के मंझे हुए खिलाड़ी भी भाग ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण प्रतियोगिताएं नहीं हो पा रही थी, जिस कारण खिलाड़ी बेहद परेशान थे। उनके मानसिक दबाव को कम करने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कुमारहट्टी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष रमेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सोसाइटी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याद में वीरभद्र सिंह मेमोरियल ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर भारत के आमंत्रित खिलाड़ी तो भाग लेंगे, साथ ही स्थानीय खिलाड़ियों को भी यहां खेलने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये प्रतियोगिता 11 व 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। मैं कुमारहट्टी वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष होने के नाते आज पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। इस उपलक्ष्य में आज मध्य हम सब लोग आप यहां पे एकत्र हुए हैं। हमारे स्टेट की जो रेफरी हैं, अंपायर हैं, महक इंटरनेशनल खिलाड़ी बीके जोशी जी, रिंकू जो स्टेट की 7 बार चैंपियन रही है, उभरते हुए खिलाड़ी है दीपाली, इनके साथ 11 और 12 तारीख को राजा वीरभद्र सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कुमारहट्टी में हम जो हैं नॉर्थ जोन इन्विटेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इस टूर्नामेंट को हम माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की यादगार में हम इस टूर्नामेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये फर्स्ट राजा वीरभद्र सिंह मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जिसमें अंडर 13 बॉयज़ एंड गर्ल्स का सिंगल का मुकाबले होंगे, और जिसमें हमारे पास लगभग 40 पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो भाग ले रहे हैं। इसके अलावा वुमेन सेक्शन, ओपन वुमेन सेक्शन में हमारे पास 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, और उसके बाद हमारी जो कैटेगरी है वो 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+ और 70+ में सिंगल और डबल्स और कंबाइंड एज ग्रुप 125, 130, 135 में जो है हम जो है इस टूर्नामेंट को करवा रहे हैं। इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश ख्याति प्राप्त खिलाड़ी, यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा भी जो इंटरनेशनल, जिन्होंने भारत को भी रिप्रेजेंट किया है, योगेश चौहान, अनिल मित्तल, सतपाल जैसे खिलाड़ी जो है वो इस टूर्नामेंट, रमेश शर्मा जी जैसे जो है इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। और ये टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट को कराने का जो 3 भागों में हमने इसको बांटा है, इसमें इसको 3 भागों में इसलिए बांटा है कि जो अपकमिंग बडेग स्टार्स हैं, जो 13 साल से नीचे के जो खिलाड़ी हैं, जो आने वाले समय में भारत का भविष्य हो सकता है, हिमाचल का भविष्य हो सकता है, उनको मौका दिया जो 13 साल से नीचे हैं। महिलाओं को इसलिए कि ताकि महिलाओं को जो है वो आगे लाया जाए, पीवी सिंधु जैसी, साइना नेहवाल जैसे जो हैं वो खिलाड़ी पैदा हों। वेटरन्स को इसलिए, जो मास्टर्स हैं उनको इसलिए लिया है कि वो फिट रहें और जो है वो जो भारत है वो आने वाले 100 वर्षों तक जो है यंग जनरेशन के रूप में।